ਪੋਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਤਾ ਲੈ ਕੇ बाकी आलू ज्यादा मोटे नहीं नेगे नेगे लेकिन नॉर्मल नेगे अपने पकौड़े वगैरह देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है साढ़े कनाल तमाम बहन भाई दे उम्मीद करने साढ़े कनाल तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो अलहमदुलिल्लाह जी असि बिल्कुल ठीक ठाक आ गए। तो अपना अज का यह व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला से मुकम्मल वाच करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज थले दा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होना कर दबा के नाल छोटा जहा बैल आइकन का बटन होना नहीं दबा के आल तो कर लो कि साढ़े आने वाले जो व्लॉग ने बासानी तेरे तक पहुँच सकन। तो सुबह सुबह ही उठे हाँ पहले अपनी शॉप जी ओपन की हैगी तो उस तो बाद मेरी बाहर अगर फसलों की शहर से नज़र पई हैगी देखी है इस जमीन में अज माशाला पानी लग्या पाया इंज लग रहा है जिमें दरिया बह रहे हो इस जगह से क्योंकि उन्होंने ना नहर का पानी लाया अच्छी तरह क्यारा भरता क्योंकि आली वगैरह है ना ये आली जो मिट्टी हैगी जज़ब हो जाएगी मिक्स हो जाएगी एक तरह की। तो सारे महल के बच्चे इतने इकट्ठे हुए हुए थे देखने वास्ते कि यह की होया पाएगा। अगे इतने पतंगबाजी करते होंगे सके गुड़िया उड़ाते होंगे सके लेकिन अच्छ पानी भी बहुत ज़्यादा लगे पे वर्णा की सोच के इन्हें नज़दीक जावन ही नहीं दिल कर रहा है। तो उधर शॉप से अम्मी जान बैठिया सी मैं इधर चलने आगे फसलों की सैड से क्योंकि कला है जमीन में नहीं पानी लगे हुआ अगे तक सारिया जमीनों पानी लगना है क्योंकि नहर तो या पानी है ना इनकी वारी अलग अलग स्टैप बाय स्टैप सारिया जमीनों की होंगी हैगी। इन्हों पिछली बारी पानी लग गया इस गंदम इन हूँ पानी नहीं लगना हूँ बस इन्हें सुकना ही है दिन ब दिन जहाँ हूँ सुकेगी क्योंकि इनके दाने वगैरह भी नहीं गए इन्हें हम सिटिया देखो इतों देखने इंज लग रहा जिमें तालाब हो गए तो यह नाल जमीन हैगी अंकल और ने अपने चारे ना पानी लाया हुआ है क्योंकि कभी कभी नहर ज़्यादा पानी आ जाता कभी कभी थोड़ा पानी आ जाता है। पहले जो वारी सी ना उन्हें अंकल की उदो उन्होंने पानी लाया सी इस जमीन में लेकिन उदो ना थोड़ा जहा पानी आया उस तो बाद आया ही नहीं पिछ नहर चो पानी पता नहीं की वजह लगी क्योंकि खत्म ही हो जाता हूँ कभी कभी नहर चो पानी। तो आ चेक करो जी इस क्यारे ने अंदर हूँ पानी लगे हुआ है अगे वे परिंदे वगैरह बहुत ज़्यादा फिरते हैं माशाला तो उदो बच्चे जे ना तो खलो के ही देख रहे हैं कि अभी सारिया जमीन तो पानी लग गया असी इतने कितने मौज मस्ती करा तो अगे चलना चल के तुम दिखाना माशाला परिंदे इन काफ़ी बैठे ने तो उधरों यह जी है सरसों का बीज लगे हुआ इन ना इन फलियाँ सरसों का बीज है हूँ एवं खड़िया खड़िया सुकदिया रहनगियां जो इन्होंने लग्या भी वैसे आप पक गई उदो थलो इन्होंने मुढ़ कट के इतने बेच ही सीट देवे फिर पुक जावनगियां गंदम के नाल ही इन्होंने चक लेंदे होंगे जिम्मे गंदम की कटाई होंगी ना उन्होंने दिन ही इन्होंने जो इन्हें नालू कटाई वगैरह करके सीट देते होंगे ने दो तीन दिन सारिया सुक जाए फिर इन्हें बीज वगैरह क्ढन वास्ते घर लै जाते होंगे ने बेच बन्ना अगर बन्ना ना हों तो मैं इस सैड पर नहीं आ सकता हस गया। तो इस क्यारे ने अंकल और हूँ उन्हें पानी लाया तो देखो माशाला फुल होया खड़ा है क्योंकि नहर के पानी का ही फायदा होता बड़ी स्पीड ना पिछों आता खाला जोड़ा उनके चंज लग रहा जो पानी आ ही नहीं रहा है लेकिन अगर क्यारा जोड़ा फुल आने वाला है। तो आ चेक करो जी कितने खूबसूरत परिंदे फिरते हैं इतने पिछो कीड़े चुगते होंगे ने हूँ ज़्यादा इन्होंने डिस्टर्ब ना करिए ना हो गुस्से ही ना हो जाए फिर इन्होंने गल पै जाना है। तो यह चेक करो जी इतने तुम आके दिखाता होंगे सी ना पालक खड़ी होंगी हैगी हूँ जी पालक वाली निसर गई हुई है उत्ते इनका बीज लग रहा है सारा ना पालक का बीज लगेगा थलों पत्ते वगैरह तोड़ के हूँ भी जेड़ना सालन वगैरह जो पकौड़े पा सकते हैं लेकिन इनकी सेम कंडीशन सरसों वाली हैगी पहले उन्हें एक करिए निसर रहा है जो बूटे चंगे व्डे व्डे इनके हो जाएंगे ना उदो फिर इन्होंने कट के सुकने पा देवे इतने जमीन सीट देते होंगे उदो बाद फिर खत्म हो जाता है ना स्टाला वगैरह ये खत्म हो जाएगा तो जमीन सुकने पा देवे जो सुक जाएंगे फिर इतने चक के घर लै जाएंगे तो इन्हें बीज जो उतो इन ला लवेंगे।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਸਣ ਦਾ ਖੇਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਸਣ ਕੱਢਿਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁੱਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟਣਗੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਗੱਡਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਸਣ ਪੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਟਾਈਪ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤਲਾਬ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਭੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੇਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੇਰ ਪੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੰਦ ਖਾਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਾਹ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੇਰ ਐਨ ਮੋਟੇ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਬੇਰ ਆਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁਟਵਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਸਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਨੇ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੱਲੋ ਬਲਾ ਕੇ ਚਲੀਏ ਬਾਕੀ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੈਸਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕੌਣ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਬੇਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇਗੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਂਦ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੇਰ ਤੋੜ ਗਏ ਉਹ ਅੰਕਲ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਾਨੇ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਟਾ ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਜਾ ਘਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੁਟਾਵਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਕਾਫੀ ਮਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਇਓ ਕਈ ਸ਼ਾਇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਰਾਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕਟ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈਣੇ ਇਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਸਕਟ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕੈਫੇ ਪਏ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਰ ਸੁਪਰ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਪਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ 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 ਪਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਲਾ ਹੈਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਸੁਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰ ਓਰਿਜਿਨਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਗੇ ਇਹ ਸਕੂਪਰ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈਗਾ
लेकिन इनका जिन्ना बचत थोड़ी ज़्यादा होती दूसर थोड़ी बचत जिन्ना घट होती हैगी इस वजह तो फिर यह ज़्यादातर वह सुपर 10 रुपए वाला मिलता ही नहीं है साढ़े शहर से इतों। बाकी स्कूल का टाइम जरा गुजर गया होगा या बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने चीज़ वगैरह लेंगे रश काफ़ी आंदा है तो उधरों एक और चीज़ तुम दिखाना मैं भूल गया तुम्हें पता ही है अपने गुलाब के तमाशाला बड़े VIP ग्रो कर रहे हैं। देखो नवे नवे जिन्हें थलों पत्ते निकल रहे हैं गे हालांकि पहले बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहे थे नाल पत्ते भी देखो उ डोडिया वगैरह भी जो नवी लग रही ने इतने नवे गुलाब लगन गए उत्ते है देखो थलों मुद्दा चुभ जाना अच्छी तरह दोबारा ग्रो कर रहे हैं असल तो बच्चे उत्ते पैर दे देते हैं तो खराब हो जाते इदा आप गड्डी सी मक्की मक्की उग रही हैगी तो नाल ही इतने ना पेठे दाबू जान ने बीज लाया आ गया वह भी सारा ही उग रहा माशाल्लाह यह पेठा है तो अगले दिन मैं गड्डे सके कद्दू कद्दू ही सारे उग रहे हैं गे देखो बहुत प्यारा जी इन्हें बल्ला वगैरह कद्दूआ दी ने सारिया तो बेचा मक्की गड्डी हुई है यह भी कद्दूआ दी इन वाल निकल रही है नवी नवी असल तो जी थलो है ना जमीन बड़ी नरम नरम हो गई देखो जिमें दरिया तो होंगी ना तो उधरों जी अपनी शॉप का ना कुछ चीज़ा जी भी मिसन है अम्मी जान जीडिया ने सेल गिन ये सारे गिन के दो सौ बाद चलने आगे चल के ना समान ले आने आगे एम बी जान कितने कितने बने ने 3600 अच्छा 7200 ये हो गया बाकी है पैन इधर ਕਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4200 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 500 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਛੇੜ ਪਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਬਸ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਤਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦਰਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਆ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਬੈਠ ਜੀ ਇਹ 10200 ਰੁਪਏ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਬਣ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 7200 ਸੀਗਾ 7200 ਤੇ 3000 ਹਾਂ 10200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਸਨ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ ਅੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਡੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇਗੇ ਬਾਕੀ ਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਲੇ 2 ਪੈਕਟ ਪੈਣ ਕੋ 2-4 ਪੈਕਟ ਹੋਰ ਲੈ 2-4 ਪੈਕਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਕੋ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੈਟ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਮੀ ਜਾਣ 40 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਜੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਨੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਨੈਸਲੇ ਵਾਲਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੀ ਜਾਣ ਹਾਂ 60 ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਨੇ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸੇਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇਲ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀ ਜਾਨ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਰਲਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 15000 ਕਿੰਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਧਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੀਗੇ 16000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਦੀ ਪਿਆਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 16000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਲ ਚੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਨਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗਾ 2500 ਦਾ 3000 ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਢੀਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਚਲੋ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ 70-75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੇ ਹਾਂ ਅਮੀ ਜਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਸਿੱਤੇ ਸੂਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ ਵੈਸੇ ਅਮੀ ਜਾਨ ਫਰਾਕਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੇ ਫਰਾਕਾਂ ਸੇਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਰਾਕਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਸੈਲਰੀ ਆਂਦੀ ਬਲਕਿ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਈਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਣੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਾਕਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਫਰਾਕਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਗੀਆਂ ਅਰਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਦੂ ਗਰਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਫਿਰ ਸੈਲਰੀ ਜੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਈਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20ਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਆਣੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ 20ਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ₹150 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਬਚਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚਤ ਰੱਖਨੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ 50-60 ਰੁਪਿਆ 100 ਰੁਪਿਆ ਤੱਕ
इस तरह ना एक गाहक बन रहे हैं। हाँ बाद बंदा थोड़ी ज्यादा बचत ले कोई मसला नहीं। कोशिश हैगा भी से लेदा लेदा डिजाइन साइज जेड़ा ना छोटियां वडियां कुड़ियां दे ए असल दोने ए हैगा भी जेड़ी ना साडे को ना तकरीबन 10 12 साल दी बच्ची तक साडे को सह जानगे जेड़ी आगे 16 साल दी 18 साल दी भी इस तरह हैगा के 38 नंबर 40 नंबर 45 नंबर ओ साडे को नहीं आणगे। असल दी कोशिश है के अम्मी आप ओ लेके आवी ना जेड़े बच्चियां दे ना ओ आप ले आवी के जिस तरह हैगा 15 नंबर हो गया 16 असनैन दे उमर दे बच्चे जेडे ने इस नु वड्डे बच्चे ने गे ओ बाहर खेलदे फिरदे ने इत्थे तुसीं देख लो हैदर भाई फिरदा हैगा इन्ने लैणे ने ऐ जिहा फिरदा मेरा मामू दा बेटा है इहनू इहनू तां मैं कोलों ही देवांगा इक सूट इंशाल्लाह क्योंकि मेरे मामू दा बेटा हैगा तुहानू दस्सिया होया नहीं है मैनूं लगदा अम्मी जान काफी दिन हो गए जिक्र ही नहीं कीता हैगा मैं असल ते ना मेरे मामू दी पहले शादी होई सी अम्मी दे मामू हले साडे पड़ोसी ने जे नाल लड़ाई झगड़ा दिन रात घर आपस बस एक ही मुंडा गया हुणे जिहड़ा मुंडा गया इह रहिंदा गया अपने नानी नाने को ते जिहड़ी इहदी अम्मी उहने शादियां कर लईआं ते अब्बू शादियां कर लईआं उहने विचारा मामू नूं दिंदे ही नहीं ने मामू कहिंदा वी हैगा मेरा बेटा मैनूं दे दिओ कहिंदे नहीं असीं नहीं देणा ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਲੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲਓ ਜੀ ਅੰਕਲ ਪਾਪੜਾਂ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨੇਗੇ ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਕੜਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆ ਚਮਚਾ ਹੀ ਆ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਯਕੀਨਨ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਯਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਾਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਯਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਘੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਲੀ ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਾਪੜਾ ਕਿਤਨੀ ਬਚਤ ਆਉਣੀ ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਗੇ ਉਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 770 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 740 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੋਢੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹ ਬਰਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲਕ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਲੀ ਪਾਪੜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੋਪ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਨੇਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਲ ਸਾਜਦਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਂਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਈ ਗਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਫੱਟੇ ਲੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈ ਨੇਗੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਗਾੜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਨੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਨਾ ਕਟਾਈ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ ਕਬਾੜ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਪੈਣ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਏ ਨੇਗੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹ ਕਬਾੜ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ ਚਲੋ ਹਸਨੈਨ ਦਾ 40-50 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਡੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇਗੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੱਬੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਵੇ ਪੈਕ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਨ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਜੁੜੇ ਪਏ ਹੋਣ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕਾਟਨ ਪਏ ਨੇਗੇ 8 ਕਾਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਛ ਇਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ 'ਚ ਉੱਧਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੋ ਫੱਟੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਫ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ
ना फारे को लिए उस बाद इंशाल्लाह ताला बनवावांगे अंदर उत्ते शेल्फ बन जावणगे थले फिटिंग बड़ी प्यारी है इनां दी होगी देखो ना हुण उत्ते बर्तन वगैरह जुड़े पण जिहड़े गैथे जुड़े हुंदे सीगे ते ए जिहड़ी थलों स्लेटां वगैरह इनां उत्ते टाइलां वगैरह भी इंशाल्लाह ताला लवावांगे साडा ख्वाब है कि असीं किचन दी टाइलां लवानियां ने इस वजह तों ना स्लेपां नूं प्लस्तर नहीं करवाया जिस वजह तों गंदियां बहुत ज़्यादा देखो थलों ना बहुत बुरा लगता है उत्ते आ चूना जिहा पिया सी ना जदों कलर कराया सी ओह तों लिहा ही नहीं है उन्हां स्लेपां दे सारी चीज़ें तीन जोड़ के जामे शीरी असी लाया घर वास्ते लेकिन शॉप वास्ते नहीं लाया है आगे क्योंकि बहुत महंगा मिलता है डब्बा तो लियावे सही इंशाल्लाह ताला अब जो ही हम शहर चक्कर लगे लगे ना शहरों थोड़ा सस्ता मिलेगा उतो ही लियावे बाकी स्नैन ना वेच के आ गया अपना 30 रुपए तो है तो स्नैन ने कल एक चूजा ही लिया रात में तुम बुला के सुने होना कल दुकान आवाज आ रही थी एक ही लिया मैं क्या दो लै लिंदा असल तो भी बड़े महंगे हो गए हैं अगे 10 रुपए का मिलता सी हूँ किन्ने का मिले 50 रुपए का कसमे चूजा 50 रुपए का जो मैं लैंदा हुंदा सी ना कसमे 50 रुपए छे छे चूजे लै लैंदा सी इहो जे ते हुण 50 रुपए का हो गया स्नैन इहनू संभाल के रखी बिल्ली ना लै जावे इन्ने महंगे हो गए होने यार इन्हें वास्ते तो पिंजरा बनाया ए देखो जी इन्हे उत्ते आ छत हैगी पिंजरे की इंज तो चक्या जाता है कुकड़ा वास्ते बनाया हों ने इतने थले बिठाई इतने थले छड़ के वो वैसे नहीं काबू उन्हें आना ए उत्तों छड़दा होना कि इतें इंज करके इंज छड़ देना तो फिर अपना बब्बर शेर थलों दाने वगैरह भी पाए होने इतों चुगता है एह जी ना वैसे लवेंगे बड़े प्यारे लगते हैं गाल जी मैं करे इन्होंने वास्ते ना कोई खुट्टा वगैरह बनवा लवा एह जी शीटा करे इन्होंने वास्ते खुट्टा बनवाया ना साइडा तो शीटा लगिया हो अगे जाली लगी वह भी बड़ा वीर बन जाए लेकिन उनके पानी वगैरह डुलता रहना खराब हो जाए लकड़ी का कोई ना बड़े बनाए खुट्टा लवेंगे इन्हें चूजे इस तरह के रखा क्यूट क्यूट जी है छोटा जहा स्नैन हूँ जो आए ना 50 तेन मैं देवगा एक और इन नाल लै ली फिर खुश खुश रहे दो है ना अगर एक है तो बड़ा सैड सैड रहा होना बेचारा ते बिल्ली ते कावां तू बचा के रखना इन्हां नूं ठीक है ना क्योंकि कां चक के लै जांदा टैल उत्ते चक के रखती रात नूं बब्बर शेर जी ना अपने काम छड़ा रहे है चेक करो कितना क्यूट है माशाल्लाह गर्मी की वजह तो बेचारे एलर्जी हो रही है तो उ फिर चलने आगे शहर उदो अज गर्मी बहुत ज्यादा हैगी तो इन काम चेक करो स्नैन ना यार गर्मी बहुत हैगी ठंडी हवा ही गोल पी है तो गर्मी का ना ही लिया है तो देखो सुबह सुबह पानी कितना ज्यादा सी हम सारा सुख गया है जगह गहरी हैगी इतने पानी हाले तक बहुत खड़ा है साढ़े पिंड दियाँ गलियाँ कभी तो याद आ नहीं गई ना तो माशाल्लाह जी इस मौसम में चार तरफ हरियाली हरियाली होंगी क्योंकि दरख्त ही नवे पत्ते काट रहे हैं माशाल्लाह देखो कितना ब्यूटीफुल मंजर हैगा वैसे मेरे बहन भाइयों ने गंदम तो देखी होनी लेकिन दो तरह की गंदम मिक्स करके गड्डी हुई हैगी है अली कुछ मेरे बहन भाइयों ने देखी नहीं होनी देसी गंदम असल आँदी कि हैगी है आँदी जी देसी गंदम हाँ इन्हें तो बिल्कुल जी ना उत्तर खिजार होंगे है यह नहीं होंगे है तो इन जी ना औस्त भी दूसरी ना ज़्यादा आँदी बिच देखो आ वी वी जी है देसी गंदम आ तो ए थले वाली दूसरा बीज है लेकिन जैका भी अम्मी जाने का ही होंगे पहले गड़ी यही सी हाँ बड़ी लजा महंगी भी मिलती होनी अच्छा 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 चंगेरा बन दिया नहीं क्या नाड़ होंगे ना थले वाला ये सुखा के चंगेर बनाई जा क्योंकि काफी लंबा होंगे है ज्यादातर गड़दे ही तान है साढ़े इलाके च ना लेकिन ओरिजिनल जी गंदम है ना हली है इस तरह की गंदम गड्डनी चाहिए है चेक करो उत्ते सिटे खड़े ने किन्ने प्यारे लग रहे ने अगे तक दूसरी गंदम की निस्बत इनका कद देखो ज्यादा उत्तों दूरों चमक रही है नज़र आ रही माशाल्लाह तो प्यारी कि लग रही है यही ना दिखाते रहिए अगे भी चली जाके हाली काफ़ी काम करने मेन जी चीज़ा ने ना मूंगी मसर दाल कह रहे थे लैनी है
समान खरीद लिया तकरीबन 2200 रुपया बिल बने 640 रुपये उन्होंने पहले उधार किया गया। तीन तीन किलो उन्हें दालां लिया ने दो मूंगी की दाल तीन किलो ली तीन किलो चने की मैं जाने इतने रख दो बाकी देखिए अंकल ए नवे जूस भी आए पे ने यह भी ले जावे सस्ते आए उन्होंने 30-40 रुपए का होना है 50 रुपए वाला होना है दो तीन पैट पैने दोने तीनों ले जाओगे फ्रिज ठंडे करके छोटे बच्चे इन्हें खरीदेंगे। तो आंदे लो जी पहले तो कड़ियाँ नहीं है पत्तियां पांच पैकेट क्योंकि सेल साढ़े को माशाल्लाह काफ़ी होंगे नहीं है तो दो सेवियां में जाल नवल गए क्योंकि अभी 11वीं आएगी तो जी सेल है बड़ी चलो दर्जन कर लो बाकी अदर ही समान कट के रख रहे हैं तो मैं कह दिना जूस जे चक ली गाहक काफ़ी खड़े ने होना वेखी ना जावन दोनों ही चक के लै चलने इतने कोई बोतलों के एक दो पैट लेने वो भी लै लें 110 साल चलो पाँच कर लो क्योंकि 11वीं हैगी भी सारे ने मंडलियाँ ने लै जाओ बाकी अम्मी जान ने टाफिया चकिया लेकिन मैं लोकल लग रही लोकल जी ने ओरिजिनल उत्ते पईया ना वो देखो हाँ ये बचत थोड़ी अपन ज्यादा होगी लेकिन इन दिन बेहतर है कि उनका जायका ठीक होंगे गाहक मुतमिन रहा ले लें पई है 150 सेल वाली है देखो अम्मी जान सो उतना डब्बे लिए पता चल जाता एक नंबर चीज है हाँ लो जी हाँ ये भी ठीक है ये भी एक लै लो तो है जी अपनी बोतलों से जूस निकल गए तकरीबन पाँच पैट तो इधर अपना बाकी समान पे सर्फ साबन नहीं है तो पाँच किलो वाले अचार वाली बाल्टी लई है अंकल और कह रहे सेम इस तरह ही होएगा यह 350 की सी तकरीबन 350 रुपए किलो मिलते हैं तो यह 1300 रुपए की हैगी पाँच किलो वाली बाकी आ समान सारा निकलिया पे पापा ही अपने ही लगे ए बिल बनवाने देखने कि बिल बनता क्योंकि महंगी महंगी चीज़ें लगे ना मेन मेन जो अगर बाद पैसे फिर चीज़ा खरीद लवेंगे जी अपने को घट पाइया नहीं वो फिर अपना बिल ला लेंगे अंकल असल तो ना एक दो जो मेन मेन चीजा नहीं गए एक तो बोतल थोड़ी महंगी सी अचार भी ले लिया महंगे वाला इन्हें च काफ़ी बचत होगी एक साबत बाल्टी ले अगर छोटिया बाल्टियां लीए तो भी इन्ना को पे लेकिन अंकल भी कह रहे हैं 340 रुपए 360 रुपए के हिसाब ने मिलेगी 6 बाल्टियां का पैट बने हुआ है इन्हें किलो किलो अचार है तो यह नाल ही 5 किलो अचार वाली बाल्टी यह बेहतर हैगी सस्ती मिल जानी हैगी उनकी निस्बत अगर देखा जाए तो 790 530 530 720 1300 रुपया 1800 रुपया 10160 रुपया बिल बन गया अम्मी जान कह दी अचार जटा दी है लेकिन अंकल जी तुम बाकी जो ना शाम टाइम असी दे जावे तकरीबन यही 2000 रुपया घट होना है गिन लेने कितने घट ने हाँ जी जी 8000 है 2000 रह गया वो शाम टाइम दें 2160 रुपये बाकी बड़ी मुश्किल ना समान ले जा रहे हैं डब्बे के उत्ते रखी भी बोतल वगैरह फिर भी बस घर पहुंचे खड़े हाँ कितना ज़्यादा सफर नहीं रहेगा सामने अपना पिंड नज़र आ रहा है तो घर वापस ही असं आ गए आगे बाकी स्कूलों भी छुट्टी हो गई सारे बच्चे स्कूल वाले आ रहे हैं बस शॉप जो ओपन करी टाइमो टाइम ही आटे आए आगे यार ला के लै चलो चलो बाकी सारा समान जहाँ खोल के तुम दिखाने आएंगे उत्थे अंदर चल के काफ़ी चीज़ा लिया ने बच्चों के टैंक वगैरह चूरन ही लै आएंगे अभी नवे नवे ना वी आई पी अंकल और नवा समान लिया सी वो सारी चीज़ा पे अंदर लै चली पे चलो ठीक है इतने दिखाने अज तो दिल कर रहा समान इतने बहर फटे तो जोड़ दे बड़ा प्यारा जगह तो लग रहा है तो हाली तक सेवियां जड़िया ने बाकी अचार वगैरह इतने ही खड़ा है इन ला लें अचार के उत्ते कीमत लिखी हुई हैगी बड़ी बाल्टी 1300 रुपए की चलो जी हम यहाँ दिखाओ है समान जहा लैना बाकी शैम्पू खत्म होया ये जाना चार दर्जन लै कट्ठे क्योंकि जल्दी खत्म नहीं हो गए दो ही पैकेट लें मैं चक्के से मम्मी जान ने नहीं पता हाँ बिरयानी मसाला है कोरमा मसाला इन्हें नाल ही हाँ
अच्छे हाले जेड़े ना हां टैंक है ए टैंक है तकरीबन मिजान 5-6 पैकेट में ले आ सलमान चूरन दे है दो गजनी ये खत्म हो गया सी ए जिवें इकट्ठा है ना चीजें इथे टंगी होव ना लेकिन हाली तक मुकम्मल थल्ला फ्रेश वगैरह लग रहे फिर तो बाहर बैठा रहंदा सरफ जेड़े आगे पिया सीगा मैं आके और भी ले जाने जी 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 बदामी ना आंदा दूसरी मक्खन टाफी मक्खन अमरूद आली चॉकलेट आली आ गई फांटा छे डब्बे ने छे समझी फिर पांच रुपए आली है कौन बनी हुई है हां कौन आना चुपा टोल्डर समान पे अगर टंगे लाके उतन तक तार हो पूरा आवे जितने बड़े प्यारे लगन लेकिन हवा वगैरा भी चली आंदी है वैसे भी सैटअप वगैरा इत्थे मुकम्मल नहीं कि असीं बाहर बह सकीए अगे हुण एक वारी फ्रेश वगैरा लगेगा तो फिर प्रॉपर जेड़ा ना इत्थे बाहर सैटिंग वगैरा करांगे इहो जी चीज़ आंदी है इंशाअल्लाह ते मैं सुबह ही कह रहा सी ना कि इत्थे असीं ना इंशाअल्लाह ताला शॉप बनावांगे जो थोड़ा कारोबार ज़्यादा वधिया ना जुत्तियां वाली ते नाल फराकां वगैरा बंदा अगे ना इत्थे लटका दिंदा उहदे विच बस तुसीं दुआ करदे रहे करो कोई नहीं अल्लाह पाक करम करेगा इंशाअल्लाह ताला आपां अपने कारोबार च ना इत्थे शॉप जी लाजमी बनावे एक सैड तो ना अलग हो जाएगी उ तो कुछ मेरे भैन भाई कह रहे थे ईद तक ही है ईद तो बाद जुत्ती कपड़े का काम नहीं चलना है लेकिन इंशाअल्लाह ताला सानू उम्मीद हैगी कि जिवें साडा पिंड है ना जिवें आबादी हैगी उन्होंने शहर जाना पैंदा शहर से तो काफ़ी सफ़र बनता है ये काम चलता ही रहेगा तो बाकी जगह है ना सारी सुनसान सुनसान जी बनी पई आ अगे असं आए ना तो इंज लग रहा जिमें इतने घर च कोई फिर ही नहीं है असल तो आप बाहर ना देखो खट्टा मिट्टी बहुत रस्ता जहा सुकया पाया ए पानी जड़ना छिड़कना अंदरों पैप छिड़क के लै आना बाकी हूँ फिर ने रस्ते तो पानी छिड़की है देखा जे हमें किमें ना इतने रौनक लगदियाँ पानी छिड़की मरना क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा हैगी तो खट्टा मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा थोड़ रहे वैसे भी जगह सारी सुकी पई है तो फाइनली जी गली जिन्ना पानी छिड़कता है असं देखो हूँ माशाल्लाह रौनक भी है गली च अगे बिल्कुल सुनी सुनी जी सुनसान सुनसान जी लग रही थी तो इतने अगर पानी वगैरह छिड़किया अपने अनार नहीं नवाता है क्योंकि इस तरह कोई बीमारी नहीं समझ लो होगी जिमें कि सूडी वगैरह लग जाती ना इस तरह सूडी वगैरह नहीं लगेगी तो पत्ते उतो वाश डेली हो जाते होंगे पानी ने अच्छी तरह नवाता थलों ही पानी लग गया है पेठे वगैरह तो अपने कद्दू जे भी काफ़ी अच्छे ग्रो करे इधला अनार जोड़ा है भी माशाल्लाह उग रहे है हाँ चेक करो लेकिन ये थोड़ा जहा लेट जोड़ा ना उगेगा हाँ अच्छा नोट चेक करना नहीं ओरिजिनल है ठीक है ते बाकी यार जो समान है हम अंदर लाने के इतना बाहर की रखना है ये भी उतो लाने छेड़ जा ते इंदी ये सैटिंग वगैरह समान की करिए नवा समान हम सुबह ही ले आवेंगे बाकी आलू ज़्यादा मोटे नहीं नेगे नेगे लेकिन नॉर्मल नेगे अपने पकौड़िया वगैरह के काम आने वाले तकरीबन 900 रुपये मन मिलेगा ले लें आगे ये भी ये दो त्रोड़े नेगे पहले ही ले आए नेगे वही पे होने असने इधर दिखाई पे हुए ने देखो इस तरह के आलू ना है अगे बिच पे हो त्रोड़ा ए जो ना दो मन नेगे चक लें बाकी समान जहाँ कुंज के हम अंदर रखने और जड़िया आंटिया ने आलू सानू दिते ने ना उन्होंने साढ़े को शॉपिंग ही काफ़ी की कितनी अमीजान फराक लिया ने 8 फराकां लईआं इन्हें जी बाकी आलू भी आ गए वह भी फायदा हो गया तो नाल जेड़ा ना साड़ी फराकां ही सेल हो गई ये सब तो चंगा हो गया जी जी हाँ देखो हूँ अद्धिया हो गई ने अद्धिया होइया पईआं ने गे फराकां दारियां एम जान आलूआं दे पैसे कटी जावणगे फिर अच्छा 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 ठीक हो गया
ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਵੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਾਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ 2000 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫਿਰਾਕਾਂ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਫਿਰਾਕਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਲੈਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰਾਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਟ ਵੀ ਲਾਇਆਵਾਂਗੇ असल तो ना इन्होंने रोजे भी नहीं आंटियां रखे बेचारियां सारा दिन मेहनत कर दी फिर रोजे ने कितने थके जाता फिर उन्होंने जामे श्री वाला पानी बना के पिलाया रोटी खानी दिल करता सुबह से निकलनी डरने फिर जैसे भूख लगी किसी पकौड़ा लेके खा ले किसी समोसे लेके खा ले अपने वाली गल है आप सारा दिन काम कर करके थके आप मेहनत ही नहीं करने मेहनत ही असल कर दे बड़े वारे च ने बाद 120 रुपए किलो के हिसाब डींदे याद नमी जान जो 5-5 किलो लै आंदे जी 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 बाल्टी जी चार वाली तानू मसील खोल के पट के दिखाना के चार है बाकी सील जी खोल ली अचार बड़ा वी आई पी है चेक करो जी ए चेक करो जी तकरीबन सानू पिया 240 रुपए किलो बड़ा वीआईपी अचार है खुशबू भी आ रही है ते इस समान की सैटिंग कर लें आगे बाकी मैं हूँ फिर नमी जाने बाहर फट्टे वगैरह खड़ना बाहर दूसरा समान लाव हाँ क्योंकि सारे जे ने खिलौने वगैरह इधर पे हाँ फ्राक और लैवे हूँ तो माशाल्लाह अच्छी खासी सेल हो गई है इकट्ठी तो इन्हें फिराक और ले आवेंगे चलो तो सुनैन जी अपने बब्बर शेर ने इतने खुला छड़े हुआ है कि पैर पूर जो इन्ना मार लवे इतने देखो वो भी बड़ा खुश है क्यूट कि माशाल्लाह इन्हें नाल दा ना मैं कोशिश कर रहा इस बाई को भी एक है कहता पे मेरे को तीन ने गए लेकिन एक तेन देना है 100 का एक 50 रुपए का यार मिलता है तू 50 का दे दे एक साढ़े को जोड़ा हो जाए चलो कोई ना कोई पता नहीं सुबह परसों फिर अंकल आ जाए जिन्हें को लिया से ना सुनैन ने फिर और लै लवेंगे बाकी देखो माशाल्लाह सारा जेना बेचन दे कद्दू उग रहे नेगे तो एदली साइड जो वे वे ने गे पेठे उगे हुए नेगे सारे इंशाल्लाह तो असं देखे बल्ला ना भरी जानी जगह ऐ मैं एक टहनी तोड़ के लाई सी अनार दी तो यह भी जी हरी भरी खड़ी तकरीबन इन 2 हफ्ते हो गए नेगे वेखने ग्रो कर दी कि नहीं अगे मेहनत है गई उगेगी जिमें हरे भरे ने गए इंशाला तला भी उम्मीद हरी भरी अगर सुबह मैं इन्ना पत्या नहीं हाथ लाना क्योंकि काफ़ी मेरे भैन भाई कमेंट करते होंगे ने असल तुम इन्हें पत्या ना हाथ ला करो टहनी फड़ के दिखा लिया करो पत्ते नाजुक जो होंगे ने खराब हो जाते हैं हाथ लावन ओके हो गया इंशाला तला मैं नैक्सट टाइम कोशिश की कराँगा कि पत्या हाथ ना लाया जाए देखो सारे उत्ते ना फुल इन लगन लगे फुल चके करा तो उस तो बाद फिर इन थले अनार बनाएंगे ठीक है फटे बाहर इतने कड़ीए इतें सारी इन्होंने चीज़ों का सैटअप वगैरह करना है बाकी अज कुछ ना सैटअप इस तरह बनावन लगे नाल नाल ही ना है टेबल इतने रखता असल तो मैं साइज ऐसे का बनवाया सी देखो बिल्कुल परफेक्ट इस जगह पर आया है इतने नाल ना लवेगा गली टाइप जो बन के अंदर जावन का रस्ता सारी चीज़ें साइडा तो इतने के जुतियां लाने पिछे सारे खिलौने ला दें कहते चल ही उंज ना उत्ते शीटा वगैरह ला के फिर चमका देनी जगह लो जी सारिया चीज़ा जेना सैटिंग करन मैं लगे हुआ आ गया तो उदा सुनैन साहब जेडे ने ना दोस्त अगे खड़े से इतने उन्हें अपने दोनों चूजे लिया के छड़ते सानू दे नहीं रहा है कहें 100 रुपए का एक देना एक ला ला लो लै और एक उपर ला ना सुनैन अच्छा अच्छा उन्होंने क्या मैं दोनों दे दे 100 दे दिता तो पिया नहीं है दो दे दे तो असं दोनों ही लै लेंगे चलो साढ़े को तीन प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट छोटे छोटे चूजे होंगे क्योंकि नूर भी बड़ी खुश है नूर लै लीए हाँ आप लै लेंगे आंदा है ना उन्होंने कहने चल तू 100 लै ला सानू दोनों ही दे दे क्योंकि पहले 10-20 रुपए का
पहले 10-20 रुपए का मिलता हूं, 50 रुपए का हो गया। लेकिन अगर सुनैन और खुश होते ना यह चीज़ा ना, तो मैं इन्होंने लिया के इतनी रखी करा, कोई नहीं मसला। इतने फिर देने खुले में छड़ते हैं इन गमले के, इतने एक तो कोल ख्याल किया कर, देखो सिक्योरिटी गार्ड ही रखे गए ना, उंज इन्हों कह ना उन्हें तो बाहर नहीं बैठा करना सी, इस तरह ख्याल ही रखा कर चीज़ों का। बाकी ठीक है, इन्होंने जोड़ने जुत्तियां इतने तोड़ तक ना, स्टैप बाय स्टैप सारिया जो जोड़ लें। तो जी शहरों दाल लैके आए थे अम्मी, जहाँ डब्बे हैं जो पा रही नहीं है, बाकी बच गए फिर मैं। चॉकलेटा भी सारिया इतने लग गई थले, जो टाफिया भी रखती नहीं है। असल तो ना बार बार क्लिप इस वजह कटिया जाता है, क्योंकि मेरे फोन थोड़ा मसला जहा बनया हुआ इस वजह तो। तो उदो बाहर भी जी सारी चीज़ा सैटिंग करती, देखो एक साइड तो खिलौने आ गए, बाकी इन्हें बच्चों पौनिया वगैरह इतने आ गई, तो ये नाल ही जुतियां आ गई सारिया जोड़ के रखती हैं। इतों लाइन वाइज पंदरों बैठा भी ना इतने नज़र पैंती है, अगर जी उ रखी हुई उत्थे ही ठीक नज़र नहीं पैंती, स्पैशल बाहर ही बहना पैंता से इन्हें पीछे। इतने इन्होंने सारिया चीज़ें नज़र लगे ही नहीं। इतने बाकी सैटअप जो है ना हूँ करने आगे कोल तलाई वगैरह का। तो आयशा जी उन्हें आलू बलने रखते होने, ए जड़े ना उबालन वास्ते आलू बड़े जबरदस्त ने, सिर्फ समोसे वास्ते लेने। तो चूहे जड़े ने उन्होंने मैं इतने डब्बे पा के ना उतो आ खोलता है एक साइड तो, सारे इतने बिरते नहीं गए। सरैन जी ना इन जगह बाजार चला गया दोस्तों ने खेलने, तो इतने ही फिरते नहीं गए, आवाजा मार रहे इन्होंने बाहर कढ़ी। उ मेन दिन दसा मैं इन्होंने क्यों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाद लै गया थले, ओ आ गए। बड़े खुश होंगे जो खुली जगह पर आते ना चूजे, बहुत खुश होंगे। असल तो इन्होंने डब्बे मैं पता क्यों पाया है, मैं कवे उ सीटे से चावल चावल खा रहे हैं, मैं कवे वो ना होना इन्होंने चाकल जान फरिया जी, इन्होंने मैं चावल पाए नाल में उन्होंने सीटे ने गए, तो काफ़ी इकट्ठे हुए हैं। बाकी हूँ फिर ना तलाई का इंतजाम करिए, चूजे जड़े ने उन्होंने असी पैसे अदा करते होने, चूजे दो सानू मिल गए, तीन चूजे हो गए ने हम सामने ने इस लैन, जे इन्हों कुछ होया मैं तेन फड़ना है। हाँ ठीक है ना, कहते पारा देना बिल्ली वगैरह के नज़दीक भी ना, ठीक हो गया। तो अम्मी जान रोजा सी इन्हों होश ही नहीं रहा, इन्होंने ना देखो काले चने इतने सफेद चने मिक्स करते, चलो कोई उत्तों निकल जाए एवं करके पै रहे हैं, मैं तो कहना बड़े प्यारे लग रहे हैं, जो तो फिर किसी ने सेल करना उन्होंने तो काट के देना। बाकी तो थालिया की भी सैटिंग करती हैगी, कढ़ाई भी आ गई हैगी नाल जड़ा ना, हूँ फिर पहले पकौड़िया वास्ते आलू कट लैन गया, पकौड़े के आलू भी ना इन्ना बरीकों के ही कटा, यह जो पहने ना पकौड़े बड़े जबरदस्त बने करे, आसानी नहीं कट्टे जाएंगे, वो कट लेने आगे मसाला वगैरह पकौड़े बना के, उस तो बाद फिर सिलेंडर ऑन करा, दही वगैरह नाल गर्म करना शुरू कर देवे, जिमें पकौड़े मसाला बना लगे ना नाल घी या गर्म कर ला, पहले जाना गैस वेस्ट होता है, अगर पहले एडवांस ही चला दो तो कोई फायदा नहीं होता। चल
बाकी मैं पकौड़े आलू कट लेने को अम्मी जान ने चिप्स वास्ते आलू कट के देते नहीं मसाला बनाने तो उस बाद जो तलाई शुरू करने कोल ना कढ़ाई दे की भाग गर्म करन कर छड़ देने हसनैन दे काम करो खेलता फिरदा ते हसनैन इहदे घर आ जाओ ते कल मेरे कुछ भैन भाइयों के कमेंट आए थे असल तुसी ना साफ सफाई का ख्याल रखा करो असल ते चिट्टी फ्लैक्स हैगी थोड़ा दाग लग जाए ना तो इंज लगता है जिवें गंदी हुई भी हैगी इतों उत्ते आ देखो काफ़ी इनकी तो सफाई की हैगी कपड़े ने लेकिन साफ नहीं होए ने गे असल तो इन्हें तो ठीक रही उस तरह रैगजीन उस तरह रैगजीन इन्हें लिया के वह उत्ते लाने गए फिर जो इन्ना ठीक रहेगा निजाम थलों देखो आ सारी जल गई हैगी उत्ते कालक जी लगी पी है तो सेके की वजह जी थलों सेका होंगे है इतनी जगह वैसे भी कट देवे जो नवी ले आवेंगे रैगजीन रैगजीन वाली जगह थलों कट के थलों स्टील का लवा लवेंगे शीट जी स्टील की कर लो या लोहे की थले लवावे चलो ठीक है बाकी हम फिर मिर्चा मसाले चक लेना गया तो मसाला यार लाइए तलाई जी शुरू करिए इन्हों की बाकी उम्मीद है कि अज के पकौड़े ने ना बड़े वी आई पी बनन गए सादे सादे ही नहीं है बिल्कुल पकौड़े जी बड़े वी आई पी तली गए ने दूसरा पूरी मैं पाया होगा तो नाल जी चिप्स का भी जो मसाला रेडी करके रख लिया इस तो बाद जी चिप्स की तलाई करने माशाला बड़े वी आई पी तली गए चलो जी बिस्मिल्लाह सुबह बना लवेंगे जो समोसे वे चाय नहीं बन पाने बस समोसिया जो तलाई कर लेंगे नाल समोसा पकौड़े आ जाएंगे चिप्स ही बना के रख ली सी पकौड़े बने भने गए तो अपने समोसे भी तैयार हो गए माशाल्लाह तो फाइनली जी सारिया चीज़ों की तलाई करके मैं इतने रख ली हैगी हूँ फिर कोई टेंशन नहीं हैगी अफतारी तक हूँ अफतारी वास्ते ना खाना वगैरह भी अच्छी सिलेंडर से बना सकने गारे बनाना चाहिए लेकिन आयशा बना रही हैगी अंदर तो उधरों यहाँ जहाँ ला गया टाइमो टाइम मैं खत्म कराँगा क्योंकि पहले जो डेली देखते हो रात को मेरी वीडियो नहीं आती हैगी असल तो मैं थके होना तो मैं सो जाना है टाइमो टाइम तो ठीक है जी हूँ फिर अपना यहाँ जहाँ ला के खत्म करने तुम अच्छा लगे लाजमी अपने चैनल को सबसक्राइब कर लेना वीडियो लाइक कर लेना अगर दोस्तों रिश्तेदारों शेयर भी कर लेना ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज अज फिर कोई नहीं फटे बनवाउन वास्ते अंकल मिस्त्री असल तो इतों मैं लै जानी उस शीटा उत्थे तो उतो जहाँ कटवा के इतने लिया के तैयार करवाने सुबह फर्स्ट टाइम ही है जहाँ पहले मैं कम कराँगा उस तो बाद फिर दुकान पर बैठागा
चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक को बेहतरी हो रही होनी, ये लेट होया खड़ा है काम इतना।